देखो बच्चे ना कुछ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय डीजे व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? तो आज फिर आपको लेके चलते हैं एक मार्केट और देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ दोस्तों, मेरे भाई ने मुझे बताया है अच्छा सामान मिलता है और सस्ता मिलता है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और आने वाले हफ्ते में दोस्तों हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो उसके लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको घुमाने भी ले सके अपने साथ और मार्केट भी एक्सप्लोर कर सके। तो कल का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अभी तैयार हो गए हैं, टी शर्ट वगैरह पहन ली है और अब ड्रायर करते हैं बालों को और फिर चलते हैं। पहुंच गए हैं करोल बाग, नहीं सॉरी कनॉट प्लेस और अभी चलते हैं आगे को। दीपा का वेट कर रही हूँ, दीपा आएगी तो फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। और आज हम जा रहे हैं जो मार्केट, वो बहुत सस्ती है दोस्तों, देखते हैं। हमारे को तो सस्ता कुछ मिलता नहीं है, लोग बोलते हैं सस्ता है सस्ता है, बट चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो दोस्तों मैं तो आ रही हूँ मेट्रो में, वो सिद्ध करती हूँ, मेरे पीछे आपको मेट्रो दिख रही होगी, तो जल्दी जल्दी मेट्रो में बैठते हैं। तो गाइस हम अभी अभी मिले हैं ज्योति से, हम मिल गए हैं, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे पागल जैसे ही वहाँ बोला कनॉट प्लेस में मिलेंगे और अपना चांदनी चौक पहुँच गए। तो दोस्तों मेरी कोई गलती नहीं थी, सारे नेटवर्क जा चुके थे, तो जब नेटवर्क चले गए थे तो मैं इनको कॉन्टैक्ट कहाँ से करती, इसलिए मैंने सोचा सही यही रहेगा कि हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाए और मैं डेस्टिनेशन पहुंच गई। और आप तो जानते हैं आज हम जा रहे हैं चिड़िया बच्चे, और अभी चांदनी चौक से होते हुए ये रास्ता जाता है और ये जगह के लिए आपको अगर आना है तो ऊपर बंदर भी है कहीं हमारा बंद, तो इस जगह अगर आपको आना है ना दोस्तों तो आपको पहले चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों हम चिड़िया मार्केट जाने के लिए हम भी उड़ चले हैं दोस्तों, नए टाइप के रिक्शे हैं, आप ई रिक्शा भी नहीं है, ये ना बैटरी वाले रिक्शे हैं, तो मजे करके दिखाओ, तो मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाती हूँ, भैया हमें लेने ले को तैयार हैं और हमें 50 रुपये में वहाँ छोड़ देंगे, हमने पूरे 50 रुपये चाहिए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले हमें पैसे लगने वाले थे। तो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको बैटरी वाले रिक्शा, में भी आप देखने के बाद बोले पागल जी गए थे, ये तो हमने देखे हुए थे बड़े आपको दिखाते हैं, आगे वाला दिखा देती हूँ। तो ये जो आगे जा रहा है दोस्तों सेम ऐसे ही हमारा है, इसके ऊपर बोझा है और जिसमें हम बैठे हैं हम भी बोझा ही हैं, तो इसलिए तो दोस्तों हमारा कैमरा बहुत शेक करता है इसके लिए आप में से कोई सब्सक्राइबर अगर मैं कोई स्टिक वगैरह दे दे तो मज़ा आ जाएगा कि ढंग से वीडियो देखेंगे, ढंग से हमारी वीडियो देखें, कहें तुम तो बना नहीं रहे हो ढंग से, ये लो ढंग से बनाओ। तो देखो जैसे दोस्तों ये बैठे हैं ना वैसा ही है सेम हमारा ये। दोस्तों देखो तोता मार्केट जिसको जाम तो अच्छा लगा है, तो आपको दिखाती हूँ कि जाम का क्या सीन है। तो दोस्तों क्या बहुत ज्यादा मीना बाजार अच्छा ये मीना बाजार है दोस्तों, बाजार का है नीचे पूरे मीना बाजार है, बाजार नीचे तो दोस्तों यहाँ पर एक मीना बाजार भी है, मीना बाजार में सारे हर चीज मिलता है। हाँ तो हम मीना बाजार के पास में है दोस्तों।
तो दोस्तों घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं मीना बाजार। हम जिस बाजार को ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं, हमें मिल गया मीना बाजार। तो हम थोड़ा यहीं पर ही सर्च कर रहे हैं सामान लेके सब कुछ। अभी समोसे छोड़ दिए हैं क्योंकि समोसे थोड़े महंगे थे और वो मिल रहे थे 25 का एक समोसा, ऊपर से छोटा भी बहुत था। क्या करें, बजट देख के जाएंगे ना, बड़ा तो होना चाहिए एटलीस्ट। 25 का है तो बड़ा तो हो, लेकिन बड़ा भी नहीं था, ऊपर से छोटा इतना साइज में। क्या दोस्तों मेरी शक्ल इतनी गंदी है? तो मैं शक्ल गंदी खा लेती हूँ यहाँ पे दीदी। है ये क्या है, खा लो। दिल्ली का रुको ना, दिल्ली का दिल दिल है। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं पराठे वाली गली, क्योंकि अब हमें लग गई है भूख। काम तो हमारा ज्यादा बना नहीं तो, लेकिन अब पेट की बीमारी है। वैसे यहाँ पर हल्दीराम भी दिखाई दे रहा है, तो अगर मन बदल जाए तो हम हल्दीराम भी जा सकते हैं। और पता नहीं ज्योति कहाँ रह गई है, थकी थकी सी आ रही है पीछे आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आ गए हैं चलते चलते पैर थक गए मेरे, थक गए और हम बैठ गए और अब हम आ गए हैं पराठे वाली गली में पराठे खाने। फिर यहीं से नियर अबाउट है दोस्तों मेट्रो। शॉपिंग हमने बहुत ज्यादा ही कर ली है, सामान बहुत ज्यादा ही हो गया दोस्तों। कैसे लगा आज आपको शॉपिंग करना? अभी करी नहीं ऐसी शॉपिंग। आज हम दोनों ब्लैक 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 ब्यूटी सर्दी में ब्लैक ही रहेंगे, ब्लैक ही ब्लैक ब्लैक ही खिलाते हैं। कुछ स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आ चुकी है हमारी थाली, अभी पराठे आने पराठे का वेट कर रहे हैं। पुदीने की चटनी और ये क्या है, छोले आलू, ये है केले की चटनी, ये है आलू की सब्जी, ये सीताफल की सब्जी और ये सैलेड। तो अभी पराठे का वेट करते हैं, पराठे जब आते हैं तो पराठे शुरू करेंगे। बहुत ही गर्म है, डीप फ्राई करके बनाया जैनवन में हम बता रहे कि नाम का है बस, क्योंकि वो उसका एक नाम है तो इसलिए लोग इतनी भीड़ जा रही है। अदरवाइज मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, घर में इससे ज्यादा टेस्टी पराठे। नहीं वो पराठे नहीं थे ना दीप, वो डीप फ्राई बनता है, डीप फ्राई पूरी थी वो, ऐसा ही बनाते हैं यहाँ पर शुरू से। लेकिन टेस्ट, अगर उसका टेस्ट की बात की जाए, सब्जी एकदम ठंडी क्योंकि भीड़ इतनी है। और फिर दोस्तों पता क्या था वहाँ पर, ऐसे बिचम बिचा एक ही टेबल पे 5 जने अलग 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 अलग, हम खा के उठे तो सबको उठना पड़ा। तो बाकी चलो फेमस है तो आप लोग भी जरूर ट्राई करेगा हमारे कहने पे। ट्राई तो करना चाहिए हर चीज, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है, बहुत ही बुरा हाल है। हम तो पिचक ही गए हैं, फोटो खींच लो बच्चे ना गिरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ हो जाए फोटो खींचता हुआ गिरेंगे तो नहीं, अपने आप ही जा रहे हैं, चल तो आ रहे हैं। देखो ऐसा मजा आ रहा है, इस भीड़ भाड़ में आप बहुत गंदा पैर भी गिरी हो, कितने मजा टॉयलेट में धक्का दे। इस भीड़ में एक फायदा होता है ना कि हम गिरते ही नहीं है, बस वॉशरूम की तरफ ना गिर जाए। मुझे मेरा मुंह सीधा दोस्तों ऐसे टॉयलेट वाली टाइलों में लग गया था ऐसे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, दीपा यहाँ से अपने घर की मेट्रो लेगी और हम अपने घर की, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं मिलूंगी घर जाके, दीपा भी अपने घर जाके।
तो दोस्तों घर आ गए थे, चेंज कर लिया है और अब चलते हैं मार्केट, थोड़ा सा सब्जी ले आते हैं। सैटरडे मार्केट लगता है हमारे यहाँ, और जो भी मैं मार्केट से लेके आई हूँ वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी दोस्तों थोड़ा थक गए हैं, काम भी है घर पे और दाल चढ़ा दी है। आज रात का डिनर है दाल चावल, तो सब दाल चावल खाएंगे, क्योंकि दिन में सबने हम बाहर चले गए थे और मम्मी पापा भी करोल बाग गए थे, कुछ काम था उन्हें, और विक्रम जी ने पराठे ही खा लिए थे, बच्चों ने भी वही खा लिया था, तो अब मैंने सोचा हल्का दाल चावल बना लेते हैं। तो दाल चावल बना रखे हैं, बनाने रखे हैं, और हम चलते हैं मार्केट, शनि बाज़ार, और मार्केट से सब्जी ले आते हैं और फिर मिलते हैं।